आईडी टीवी प्रेजेंट पुलिस स्टेशन तिलक नगर में आयोजित किया गया मुफ्त बीपी शुगर बीएमआई व आंखों के चेकअप कैंप, जहां पर डॉक्टर आशीष जोशी, डॉक्टर मोनिका लुक्का और डॉक्टर श्रुति शर्मा ने पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ, पुलिस और आसपास से आए आम जनता को मुफ्त में जांच किया। 18 फरवरी को बेयरिंग मार्केट एसोसिएशन की ओर से पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी दुकान एक दिन के लिए बंद रखकर श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास को दो पटरियों पर एक साथ आगे बढ़ा रही है, जिसमें आधारभूत संरचना एवं संपर्क तथा किसान एवं श्रमिक वर्ग का उत्थान शामिल है। भारतीय सेना ने कश्मीर की उन माओं से निवेदन किया है जिनके बच्चे आतंकवाद की राह पर चल पड़े हैं, कि वे अपने बच्चों को वापसी के लिए पुकार लें, अन्यथा सुरक्षा बल उन लोगों को दुनिया से मुक्त कर देने पर मजबूर होंगे जिन्होंने बंदूक उठा रखी है। भारतीय वायु सेना की हवाई करतब टीम सूर्य किरण के दो विमान यहाँ येलाहांग का वायु स्टेशन के पास मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया। पीठ ने कहा कि एक पूर्णकालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बाद अब किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार 26 फरवरी को बजट पेश करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक में फैसला हुआ। दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण के काले कारोबार में कोऑर्डिनेटर्स के नाम सामने आए हैं। इससे पहले भी कई अस्पतालों में कानूनी रूप से अंग प्रत्यारोपण के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटरों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दो महीने पहले से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर इसमें 10 सदस्यों को शामिल किया। राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में सोमवार दोपहर एक बेलगाम लग्जरी कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक विदेशी महिला की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला समेत तीन अन्य लोग घायल हो गए। भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को सीजेआई बताकर किए गए फोन कॉल के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रॉबर्ट वाड्रा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सके। उन्हें धन संशोधन से जुड़े एक मामले में आज ईडी के समक्ष पेश होना था। ये है डीआईडी में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए कल तक।